Hello and welcome to Student Cabaret. This is Arshi Khan. In this video, as I told you in the last video, I'm going to compare two big schools which are known as Chitkara University and Chandigarh University. I got this request in the community section from the students who got stuck between two colleges. वैसे तो confused रहते हैं when it comes to choosing a B school. I'm confused. होना भी बहुत important है because ये last decision है जो अपनी education के लिए ले रहे हैं. अभी कई सारे students के दिमाग में ये question तो है कि you know due to this economic crisis क्या ये सही time है MBA करने का. तो ये जवाब है उन सभी students का कि this is absolutely perfect time when it comes to doing MBA this year. But one more thing I really want to tell you, though it is the right time for doing MBA, but taking a right choice also plays a very important role. So again, Chitkara, which is affiliated in 2002. अगर मैं बात करूँ affiliations की, तो ये UGC approved है college. Whereas अगर मैं चंडीगढ़ university की बात करूँ, AICTE, UGC, NAAC, AIU इन सभी का accreditation है 2012 का है. तो अगर आप इस basis पे compare करोगे, तो Chitkara थोड़ा पुराना institution है, थोड़ा नहीं, on and on 10 साल पुराना institution है. अगर आप इसको चंडीगढ़ university से compare करोगे, and this is also a प्राइवेट यूनिवर्सिटी. अगर मैं फी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो फी स्ट्रक्चर जो है दोनों का ही एक जैसा है, 4.4-4.5. वैसे मैं चितकारा की फी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो 5-5.5 के आसपास का फी स्ट्रक्चर है. मेरे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपको 4.5 के आसपास पड़ेगा. चितकारा के साथ एक अच्छी चीज ये है कि इनके जो कुछ कोर्सेज हैं, विच इंक्लूड्स, जैसे कई सारी स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, ह्यूमन रिसोर्स मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग फाइनेंस, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, सेल्स एंड रिटेल मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट. कई सारी यूनिक स्पेशलाइजेशन है इनकी. कुछ स्पेशलाइजेशन ये है कि वन ईयर ये आपको जो कोर्स है उसकी फीस जस्ट हाफ होती है. लेट्स से अगर 5 लाख का कोर्स है तो हार्डली 2.5 लाख, तो आपको वन ईयर की फीस पे करनी पड़ती है फ्रॉम 13th month onwards. आपका जैसे ही एक साल complete होता है, you start doing internship जो कि paid होती है, जिसमें आपको, आप ये कह सकते हैं 10,000-15,000 pay किया जाता है. मतलब आप अपने second year में properly job कर रहे होते हो, जब वो internship खत्म हो जाती है तो आपको placement मिलता है. मतलब आपने जितना invest किया है वो कहीं ना कहीं आप recover कर लेते हो अपने second year में. और ऐसा कोई option चंडीगढ़ university में नहीं है. तो ये एक थोड़ा सा difference है when it comes to चंडीगढ़ university versus चितकारा. Again, अगर मैं बात करूँ, almost सारे entrance accept करते हैं. उसके अलावा इनका खुद का entrance होता है जिस basis पे आप enroll कर सकते हो. Minimum 50% in your graduation is very important. And second thing, इन का जो admission process है वो एक ही दिन में, अगर मैं चितकारा की बात करूं, एक ही दिन में सारा एडमिशन प्रोसेस होता है जो कि मई में होता है. आपको एप्लीकेशन फिल करना पड़ता है, 1,000-1,500 के आसपास का एप्लीकेशन होता है, एंड उस बेसिस पे आप इनरोल कर सकते हो. तो फीस स्ट्रक्चर आप कहो तो बहुत ज्यादा नहीं है. अगर मैं बात करूं दोनों में ही मोर देन 13,000-14,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. कैंपस की बात करो, भले आप उसमें बात करो फुटबॉल कोर्ट की, या फिर भले आप बात करो फुटबॉल कोर्ट की, या फिर आप जो स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड रहता है, भले क्योंकि ये और भी कई सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं जैसे जर्नलिज्म एंड ऑल दैट स्टफ, भले आप मॉल्स की बात करो, तो ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर. सो एंड व्हेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है उसके लिए कई सारे स्टार्टअप्स जो हैं कॉलेज के अंदर चितकारा में, जैसे कई सारे स्टार्टअप्स हैं जो काम कर रहे हैं, एंड वो वहाँ पे एक तरह से कंपनी की तरह रन करते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को जो फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं उनके पास भी कई सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं. पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो भी जो स्टूडेंट्स के फैकल्टीज के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिव्यू है व्हेन इट कम्स टू जो रिव्यू स्टूडेंट्स के मिलते हैं. अगेन तो आप अगर डाइवर्सिटी की बात करोगे तो आपको डाइवर्सिटी बहुत मिलेगी क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. एंड अगर आप ये बात करोगे कि एक्सपोजर, तो बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे कार्यक्रम्स हॉस्टल में स्टूडेंट्स, बहुत सारी तरह के इवेंट्स होते हैं, तो दैट विल ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हेन इट कम्स टू यू वॉन्ट अ कॉलेज विद एक्सपोजर. नॉट जस्ट बिकॉज it's a university, it's because they offer multiple courses, so they do conduct a lot of events across the year. But दो चीज़ आपको सोचने की ज़रूरत है. अगर आप यहाँ पे colleges देख रहे हो then it's fine, but दोनों ही university हैं, दे ऑफर मल्टीपल कोर्सेज. तो क्वेश्चन ये है कि आपको MBA के लिए लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो आपको थोड़ा सोचना चाहिए. बट
सो अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो कॉलेज ने अभी इस साल का कोई लेटेस्ट प्लेसमेंट्स नहीं किया है, बट कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यूज के अकॉर्डिंग 32 लाख रुपीज के आसपास का हाईएस्ट प्लेसमेंट है एंड एवरेज जो है वो 5.5 से 6.5 लाख के बीच का है। तो जो प्लेसमेंट कॉलेज क्लेम कर रहा है उस हिसाब से चितकारा जो है वो थोड़ा सा बेटर ऑप्शन है इफ़ यू कंपेयर इट विद चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। दूसरी चीज की इनके पास स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलता है। ड्यूरिंग अ सेशन यू गेट टू हैव अ टाइम पीरियड जहाँ पे यू नो दे हैव कोलैबोरेशन विद हिल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड एंड उस प्रोग्राम में आपको अपना अकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस बेयर करना पड़ता है एंड यू कैन गो टू ऑल टोटल डिफरेंट यूनिवर्सिटी डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। टाइम पीरियड कैन बी 15 डेज, अ मंथ और मोर देन दैट इट इज व्हेन इट कम्स टू चितकारा यूनिवर्सिटी। तो अगर आप ये सारे पैरामीटर्स को कंपेयर करोगे तो यू कैन डेफिनेटली प्रेफर चितकारा व्हेन इट कम्स टू चंडीगढ़ एंड चितकारा यूनिवर्सिटी। बट यू नीड टू कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट इट ऑल्सो मैटर्स कि आप कौन सी स्पेशलाइजेशन लेना चाह रहे हो, क्योंकि अगर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें तो 5 लाख का एवरेज प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं, 16 लाख रुपीज़ के आसपास का हाईएस्ट है, 14 या 15 लाख रुपीज़ के आसपास का हाईएस्ट है, बट वो 14-15 लाख का हाईएस्ट जो है वो बिजनेस एनालिटिक्स में। तो आप कौन सी स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आपको इनमें से कौन सा कॉलेज चूज करना चाहिए। तो अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट है तो यू कैन रीच आउट टू द नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द काउंसलर यू कैन मेक अ डिसीजन वेयर यू वांट टू गो टू एंड अपार्ट फ्रॉम दिस फॉर मोर सच वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन राइट नेक्स्ट टू इट। सोच समझ कर डिसीजन लो क्योंकि ये लास्ट डिसीजन है व्हाट यू आर गोना मेक फॉर योर एजुकेशन। सो अगर आपने अभी नहीं सोचा तो आप 2 साल बाद पछताओगे। एंड कुछ भी ऐसा कोई कॉलेज है जिस पे आप चाहते हो दैट आई शुड मेक अ वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।